खबर है, NH-33 नरगाडीह अवैध स्पंज आयरन टाल मामला। ये मामला है, एक बार फिर से आपको हम जानकारी दे दें, NN-33 सरायकेला से खबर निकली है, NN-33 नरगाडीह अवैध स्पंज आयरन टाल मामला, जिसपे अवैध स्पंज आयरन टाल मालिक राजू सिंह पर चांडिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, एक FIR दर्ज हुआ है। ट्रक चालक और ट्रक मालिक पर भी मामला दर्ज कराया गया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार करके सरायकेला जेल भेजा गया है। SDPO संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है इस बात की। तो कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। सरायकेला से खबर निकली है, NN-33 नरगाडीह अवैध स्पंज आयरन टाल से जुड़ा मामला है। अवैध स्पंज टाल से जुड़ा मामला और इस पर ट्रक चालक और ट्रक मालिक पर मामला दर्ज। सरायकेला से बसंत फोन लाइन पर, क्या है पूरा मामला बसंत? NN-33 नरगाडीह अवैध स्पंज आयरन मामले में जो है वो कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जी दिशान जी, देखिए हमारा जो चांडिल क्षेत्र में जो है, तो ये जो चांडिल क्षेत्र में होटल के पीछे साइड में अवैध धंधा हमेशा चलता है। उसी अवैध धंधा को जब खबर आपका DIG साहब को मिला, तो DIG साहब ने कल DSP साहब को जांच करने के लिए बोले, और जांच में कल DSP साहब पहुंचे हुए थे जैदा नरगाडीह ताल में। और उस ताल में एक चीज आपको बता रहे हैं कि देखिए, कहा जाता है ना कि भारत मैंने डुप्लीकेट करने में माहिर है, उसी तरह से स्पंज आयरन जो कंपनी से माल जो आता है ट्रक में, उस माल को, ओरिजिनल माल को ये माफिया लोग अपना ताल में उतार लेता है। हाँ। और उसके बदले कोयला का गुंडी वगैरह दिया दे करके उसको मिलावट करके भेज देता है। हाँ। ताकि कंपनी जो माल दिया था वो कंपनी अपना बदनामी हो जाए। हाँ। इसके चलते इस तरह से धंधा फल फूल रहा है। और बिल्कुल ये जो धंधा जो फल फूल रहा है, मामले में कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बसंत, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।